Do I know you? No. No, you don't. Kinderheim में जिन्होंने 10 लोगों को एक साथ टारगेट किया, the one who does things precisely. Deflection. अगर खेल में सामने वाला ज्यादा समझदार और ज्ञानी हो तो अलर्ट रहने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता. मूव. You're the one who killed Frank. Yes. I am the one. मैंने ही उसकी मदद की थी इस दुनिया से मुक्त होने में, जैसा वो चाहता था. पर डाइस के साथ उसने जो किया, उसके लिए मौत की सजा काफी नहीं थी. फ्रैंक अपने कैरेक्टर्स बहुत सोच समझ कर लिखता था. उसकी सालों की मेहनत और रिसर्च का नतीजा था कि उसके लिखे कैरेक्टर्स आज भी लोगों को याद हैं. लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो सारे कैरेक्टर्स फ्रैंक की क्रिएशन थे. ऐसा ही एक कैरेक्टर फ्रैंक ने ईजाद किया था, योहान, अपनी जिंदगी के 5 साल लगाकर. और काफी एक्साइटेड था उस कैरेक्टर को लेकर. मोहब्बत करने लगा था वो उससे. लोगों को फ्रैंक का काम तो पसंद आता था, लेकिन वो नंगा सच वो सरकार के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था. तो उन्होंने क्या किया, उसका काम बैन कर दिया. फ्रैंक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया, पागल हो गया वो. क्योंकि उसका लिखा कैरेक्टर योहान अब केवल उसकी कल्पना में रह गया. फ्रैंक ने उसे एक चैलेंज ले लिया और उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि एक मासूम जिंदगी किस तरह खराब होने जा रही है. चालीस साल तक मैंने इस दुनिया को अपनी किताबों से एंटरटेन किया है और आज जब क्रेडिट देने का टाइम आया तो मेरे हाथों में एक नोटिस है. और यह नोटिस साफ साफ कहता है कि आज के बाद आपका कोई भी काम पब्लिश नहीं होगा. और एक राइटर के लिए जब उसका काम पब्लिश होना बंद हो जाए तो वो एक मरे के समान है. इस बार मैं किताबों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में एक कैरेक्टर क्रिएट करूंगा जिसके एक्शंस इतने लाउड होंगे जो न्यूज़पेपर में न्यूज बनाएंगे. और मैं देखता हूं कि लोग अखबार पढ़ना कैसे बंद करते हैं. क्या ये पॉसिबल है गिल्मर? डेफिनेटली पॉसिबल है, बट फ्रैंक इसके लिए हमें एक कपल की जरूरत पड़ेगी. कपल में ऐसा मर्द होना चाहिए जो डेडली क्रिमिनल माइंडेड हो और लड़की प्रोस्टिट्यूट हो जो खुद अपनी मर्जी से इस धंधे में आई हो. पर यही दो लोग ही क्यों चाहिए हमको? यही दो लोग ऐसे होते हैं जिनका इमोशनल क्वोशन आम आदमी से बहुत कम होता है. साइको बिना सोचे समझे किसी पे भी अटैक कर सकता है और उसी तरह से प्रोस्टिट्यूट अपने पैसे के लिए किसी के साथ भी सो सकती है. फ्रैंक अगर इन दोनों का बच्चा हो तो डेफिनेटली उसका इमोशनल क्वोशन
जेनेटिकली बहुत कम होगा। आप सीढ़ी से आए हैं या लिफ्ट से? लिफ्ट से। लगता है आपको देखकर। देखिए मैडम, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, उसे आप निकाल दीजिए। मैं आपके लिए एक प्रपोजल लेके आया हूं। प्रपोजल? कैसा प्रपोजल? वो ये कि आप हमें 9 महीने के लिए अपनी वोम यानी कि कोक रेंट पर दे दीजिए। क्या मतलब? आप डिटेल में बताएंगे? मतलब ये कि आप हमारे लिए एक बच्चा कंसीव करेंगे और 9 महीने तक उसे अपनी कोक में नरिश करेंगे और 9 महीने के बाद उसे हमें हैंडओवर कर देंगे। बदले में मुझे क्या मिलेगा? 5 करोड़। कितना बोला आपने? 5 करोड़। लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? कि इस दौरान आप हमसे कोई सवाल नहीं करेंगे, यानी कि किसका बेटा है ये, कौन इसका बाप है, वगैरह वगैरह। ओके, डन। डन, गुड। अब काम बचता है उस बच्चे को अपनी क्रिएटेड कंडीशन में पालना। हमारा मेन मोटो यह है कि बच्चा सेल्फ टॉट हो जब तक कि वो 12 साल का नहीं हो जाता। मुझे आज भी वो दिन याद है जब फ्रैंक पहली बार डाइस को लेकर मेरे पास आया था। अपने एहसानों के बदले फ्रैंक ने मुझसे मेरी जिंदगी के 10 साल मांगे थे।
पर यह कीमत उन एहसानों के बदले कुछ नहीं थी जो फ्रैंक ने मुझ पर किए थे। अगले 10 सालों तक मुझे डाइस के साथ साये की तरह रहना था। इन 10 सालों में मैं ही डाइस की दुनिया था, उसकी मां, उसका बाप और उसका रहनुमा। इन 10 सालों के दौरान मुझे डाइस से बात करने की इजाजत नहीं थी। डाइस आम बच्चों जैसा नहीं था। उसका दिमाग अपनी उम्र के बच्चों से बहुत आगे था। या शायद फ्रैंक के एक्सपेरिमेंट ने उसे ऐसा बना दिया था। एक्सपेरिमेंट ने डाइस के दिमाग को पूछ तो किया, पर शायद कहीं उसे डायरेक्शन देने में फेल हो गया और गुजरते वक्त के साथ उसकी आंखों में साफ दिखने लगा था। मुझे समझ आ गया था कि फ्रैंक के एहसानों की कीमत मुझे इतनी छोटी क्यों लगी थी। सच तो यह था कि वो कीमत मैंने नहीं, डाइस ने चुकाई थी, अपना बचपन जलाकर। हैप्पी बर्थडे डाइस, आज तुम 12 साल के हो गए हो। और हो सकता है आज के बाद हम दोबारा नहीं मिले। उन 10 सालों में डाइस ने वही देखा जो फ्रैंक चाहता था और वही सीखा जो फ्रैंक चाहता था। फ्रैंक ने हमेशा इसे एक एक्सपेरिमेंट का नाम दिया, लेकिन यह मैं जानता था कि वो उसका महज पागलपन है। डाइस को अपने कैरेक्टर के हिसाब से ढालने के एवज में फ्रैंक ये भूल गया कि किसी इंसान की सोच और उसका अग्रेशन कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उन 10 सालों बाद जब डाइस उस कमरे के बाहर आया तो वो फ्रैंक का कैरेक्टर योहान नहीं बल्कि कोई और ही था। और अब उसे हर उस आदमी को टारगेट करना था जो किसी भी तरह से इस नर्क से जुड़े हुए थे।
इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी मैनिपुलेशन। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टैक्सी, जो शहर में सबसे कॉमन है। दूसरा प्लेट, और तीसरी तुम्हारी प्रैक्टिस। क्या है ये सीसीटीवी के रिपोर्ट? घंटा इसमें अखिल त्रिहंग को शूट हुए 24 घंटे हो गए और हमारे डिपार्टमेंट को एक भी सुराग नहीं मिला है। शिंदे, क्या हो रही है? सर, जैसा कि मैंने आपको बताया, अखिल सर का खून बहुत ही प्लानिंग से किया गया है। शिंदे, ये मीडिया वाले हैं, अगर इनको थोड़ी भी भनक लग गई ना, ये हमारे डिपार्टमेंट की थोड़ी भी बहुत बच्चे है ना, क्या बोलते हो, रेपुटेशन वो साफ निकल जाएगी। शिंदे, मेरे को ऊपर से बहुत प्रेशर है। मैं चाहता हूं कि ऊपर से कुछ भी मेरे को ऑर्डर आ जाए, तुम उसके पहले जॉन को कहां से भी ढूंढ के लेके आओ। और तुम्हें मालूम है कि जॉन का इस केस में क्या इंपॉर्टेंस है? वो कोटे में रहेगा तो उसको आधे से उठा के लेके आओ। जाओ मुंह।
यस सर। कमिश्नर, अखिल त्रिहान की मौत हुए 24 घंटे हो चुके हैं और तुम्हें और तुम्हारी टीम को कोई सबूत नहीं मिला है। शर्म आनी चाहिए। अभी आधे घंटे में मुझे मीडिया को एड्रेस करना है। क्या बताऊंगा उन्हें? यही कि हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है इस मर्डर केस में, या ये कि हमारी पुलिस कितने काबिल है? सर, हमारी टीम हर एंगल से जांच कर रही है। कमिश्नर, हमारी पुलिस कैसे जांच करती है हमें सब पता है, और हमारी पुलिस कितने काबिल है यह भी मुझसे छुपा नहीं है। सर, ये नेवी की रिपोर्ट है और रही ये सीसीटीवी के फुटेज। इनमें कुछ खास बात नहीं है सर। तो फिर गोली आई कहां से? कमिश्नर, आई वॉन्ट सॉल्यूशन। मुझे कोई सॉल्यूशन बताओ। एक खुशखबर, डिटेक्टिव का पता चल गया। वेरी गुड। कहां है वो? मैं उससे मिलना चाहता हूं। आपको तो मालूम है वो किसी के भी नहीं सुनता। इस बार उसे सुनना ही होगा। गो एंड गेट हिम। और हां, खुशखबर नहीं, खुशखबरी। सॉरी, थैंक यू। It's you. The people. Insecure. और इस पूरे करंट सिस्टम के सर्वाइविंग का इकलौता कारण। And it's me. Free. Enslaved. Evolved. क्यों? क्योंकि मैं गलती करता हूं, उनसे बचता नहीं। मिस्टेक्स एक्साइट मी, इट मेक्स मी फील अलाइव। मिस्टेक्स आर ब्यूटिफुल, बट तुम लोग नहीं समझोगे, क्योंकि समझने के लिए तुम्हें गलतियां करनी होंगी। एंड देन अपनी जिम्मेदारी समझ के उनको सुधारना होगा। इट्स अ बिग टास्क। बट तुम लोग कभी नहीं समझोगे दैट मिस्टेक्स आर ब्यूटिफुल। फरवरी 2002, पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि किंडरहेम नामक एक अनाथालय में आग लगी। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें जली हुई 10 डेड बॉडीज मिली। वैसे तो इस केस में कई इंटरेस्टिंग पहलू हैं, जैसे जलने से पहले डिफेंस और सर्वाइविंग अटेम्प्ट की कोई भी निशानी नहीं है। हादसे से पहले किंडरहेम के सभी दरवाजे खुले हुए थे। बट द वन थिंग विच रियली सीड्यूस्ड माय क्यूरियोसिटी कि मीडिया और गवर्नमेंट इस न्यूज को क्यों दबाना चाहती थी। क्यों?
रिलैक्स रिलैक्स। अरे अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। क्या नहीं हुआ है? और ये क्या तरीका किसी घर में घुसने का? बहुत फेमस हो गए तू हमारे डिपार्टमेंट में, और मैं तेरे को और फेमस बनाने आया हूं। क्या है ये? है 3 साल की सजा। जो लोग इस नशे का धंधा करते हैं उसे हमारा कानून 3 साल की सजा देता है। और इस बार के विजेता है मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? देखो कमिश्नर, तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। पूरी पावर के साथ कर सकता हूं मैं। अरे जब हमारे देश में अरबों खरबों का भ्रष्टाचार होता है तो तेरे को एक मामूली केस में फंसाने के लिए मेरे को टाइम नहीं लेगा। ओ कमिश्नर, और कानून पे ही क्वेश्चन उठा रहे हो? और मैं क्या कर सकता हूं? वैसे भी तूने हमारे डिपार्टमेंट की पहले से ही मां बन करके रखी है। देखो तुम्हें पता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरे देश में क्या हो रहा है। 60 साल की जिंदगी है, 30 साल गुजार चुका हूं, और बचे बाकी के 30 साल मैं इन बकवास और स्टूपिड केसेस में नहीं निकालना चाहता। यू शुड नो बाय देन। स्टूपिड केस? अरे जरा सोच, मैं कमिश्नर होके तेरे को 42 किलोमीटर दूर मिलने आया हूं। क्यों? कुछ तो बात होगी इस केस में। कॉफी पियोगे? अरे सुन सुन के तेरे को हैरानी होगी, अरे नहीं खुशी होगी। ये अखिल तेहरन कत्ल में अभी तक हमें एक भी सुराग नहीं मिला है। वेरी गुड, ग्रेट। शर्म आनी चाहिए वैसे। कैसी शर्म? हम पुलिस वालों का मजाक बना के रखा है देश ने। हमें पावर है सिर्फ खाने और दिखाने के लिए, और इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। सीएम तक की फट गई है, और तुझे तो मालूम है मेरी काबिलियत। यू आर वेरी मच वाकिफ। टेक दी जॉब। अच्छा हुआ तूने केस ले लिया। ये तेरा दिमाग है जिससे मेरा ईगो जलता है, नहीं तो मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। अखिल त्रेन के घाव को देखकर कुछ अजीब सा लगता है। घाव देख के लगता नहीं कि गोली, करेक्ट? रिपोर्ट के हिसाब से गोली 1 किलोमीटर दूर से चलाई गई थी, और जब गोली अखिल त्रेन को लगी दैट टाइम ही वॉज फेसिंग द सी। नेवी के हिसाब से उस दिन सी लेवल रोड लेवल से 12 फीट नीचे था। मतलब ये कि इतने कम लेवल से 1 किलोमीटर दूर रोड के उस पार आदमी को शूट करना तो दूर देख पाना भी नामुमकिन है। हो सकता है गोली समुद्र की तरफ से चली ना हो, मतलब डिफ्लेक्शन, क्योंकि यही तरीका है
जिससे आप टारगेट को हिट भी कर सकते हो और इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट भी। दो सवाल उठते हैं, अगर डिफ्लेक्शन हुआ है तो गोली चली कहां से, एंड व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन? डिफ्लेक्शन करने के लिए चाहिए परफेक्शन, प्रिसिशन, और उसके लिए चाहिए पीस एंड स्पेस। जैसे कि होटल रूम, और डिफ्लेक्शन पॉइंट डिफ्लेक्शन करने के लिए इस पूरे एरिया में ट्रैफिक के अलावा कुछ है नहीं। अखिल ट्रेन की बॉडी पे गोली कितनी हाइट पे लगी थी? 3.5 फीट। 3.5 फीट ट्रैफिक, टैक्सीज, यस टैक्सीज, 3.5 फीट एंड इट्स मैचिंग। वाह, टैक्सी इट इज। पद्मिनी मॉडल, द ओल्ड, यूज्ड एज अ गोल्ड। कातिल ने पर्टिकुलर हाइट से डिफ्लेक्शन पॉइंट को शूट किया, निशाना चूक था, गोली सीधा जाके डिफ्लेक्शन पॉइंट से टकराई और एंगल चेंज करके सीधा जाके अखिल तिरंग को लगी। पर पूरे प्रोसेस में बुलेट ने अपना काफी फोर्स लूज किया, एंड आई थिंक यही कारण है जिसकी वजह से ये घाव इतना छोटा बना। शेयर पोजिशन। इस बार मजा आने वाला है कमिश्नर। मजा तब आएगा जब वो कातिल पकड़ा जाएगा। उधर वो सीएम मच मच कर रहा है, कब उसका फोन आएगा ये टेंशन मेरे को है। मिला क्या, पकड़ा क्या, पकड़ा क्या, मिला क्या? अरे वो मछली है या मुर्गी? डोंट वरी कमिश्नर, सीएम को बोलना कि बुलेट होटल रूम से चली। शिंदे को भेजता हूँ होटल में। कोई फायदा नहीं है। तुम्हें लगता है जिस आदमी ने इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट करने के लिए इतना बड़ा प्लान किया है वो अपनी असली डिटेल्स होटल रूम में छोड़ के जाएगा? अरे उसने शक्ल छोड़ी होगी ना सीसीटीवी में। ट्राई कर सकते हो तुम, और जब यकीन आ जाए मैं सही और तुम गलत तो मुझे फोन करना। आई नीड टू लीव। कहाँ जा रहे तू? हर उस इंसान से मिलने जो अखिल तिरंग के बारे में जानता है। कैसे हो डिटेक्टिव? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? देखो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे सकता, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
इस केस को तुम अनऑफिशियली हैंडल करो। हाँ, तुम्हें जो हेल्प चाहिए कमिश्नर से बोल सकते हो। केस लेने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं सर। बोलो बोलो। आपको याद होगा 10 साल पहले एक लैंड स्कैम हुआ था और उसमें अखिल तरीन का नाम भी था शामिल। आप मुझे बता सकते हैं कि अखिल तरीन का क्या सीन था उस स्कैम के अंदर? ओह, तो तुम्हें लगता है कि उस लैंड स्कैम में अखिल त्रिहान का नाम होने की वजह से ही उसका कत्ल हुआ है? हो सकता है। अगर आप कुछ डिटेल देंगे मुझको तो हो सकता है कि मैं शायद उस कातिल तक आपको पहुंचा सकता हूं। जहां तक मुझे पता है, उस स्कैम के बाहर आते ही अखिल त्रिहान का नाम उसमें शामिल होने का शक था, बट क्लियर नहीं था। और एक और मित्र हैं हमारे, मिस्टर मंगेशकर। उन्होंने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए उस वक्त इस्तीफा भी दे दिया था। उस स्कैम की जांच अभी भी चल रही है। सर, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मैं अखिल तरीन की बॉडी देखना चाहता हूं। जैसा तुम चाहो डिटेक्टिव, कमिश्नर इसका इंतजाम कर देगा। बट मैं तुमसे बहुत एक्सपेक्ट करता हूं। प्लीज डोंट लेट मी डाउन। आप टेंशन मत लीजिए सर, अब ये केस मेरे हाथ में। पर आपको पता है कि मैं Nobody will interfere in your investigation. This is my promise. But I want the killer at any cost. अच्छा सर, अगर ये आपके प्यारे मित्र मंगेशकर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान थोड़ी सी हानि पहुंचे तो आपको बुरा लगेगा? To tell you the fact, no. गुड, चलता हूं सर मैं। थैंक यू वेरी मच। जैन सर। हाँ कमिश्नर, मंगेशकर के बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल्स और प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स मेरे ऑफिस में भिजवा दो। सर, पर वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। जितना कहा जाए उतना ही करो। ओके ओके सर। Hands up. Relax, it's me. You know me, Divya. कौन हो तुम? It's me. Are you fucking insane? ये क्या तरीका है किसी के घर में घुसने का? Divya, मैं तुम्हें disturb नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैं disturb नहीं करना चाहते थे? इस तरह से इतनी रात को एक लड़की के घर में घुसने का आइडिया ही एक disturbing thought है। एक बात बताओ, ये न्यूज में क्या लिखा था कि तुम मर चुके हो? All that shit. बकवास था वो दिव्या। How can you believe such shit, man? I was in long vacation. लंबी छुट्टी पे था मैं। ये गन कहाँ से आई तुम्हारे पास? Essential थी ये गन। तुम्हारे सो कॉल गायब हो जाने के बाद कोई ना कोई तुम्हें ढूंढता हुआ आ जाता था। और अगर ये गन नहीं होती ना तो अब तक मैं भी टपक चुकी होती।
See Divya, I need your help. Okay? You need what? You need my help. Yeah. By the way, ये पुलिस तुम्हें क्यों ढूंढ रही है? तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? तुम्हारे प्रिय शुभचिंतक आए थे तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए, और मुझे ये धमकी देकर के गए हैं कि तुम्हारे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले सबसे पहले उन्हें बताऊं। तो यह पुख्ता सबूत बॉलीवुड भाषा में। लिसन, आज से ठीक 10 साल पहले जब मिस्टर अखिल त्रिहान एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कुछ 500 करोड़ की लैंड किसी वीकेएच बिल्डर को सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ में बेच दी थी। उस वक्त स्टोरी को मैंने ही कवर किया था। चैनल पर प्रेशर होने की वजह से मुझे ये सब डिस्ट्रॉय करने के लिए कह दिया गया, और जब मैंने मना किया तब मुझे निकाल दिया गया। उस वक्त मिस्टर अखिल त्रिहान एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे और मिस्टर मंगेशकर वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, और ये दोनों ही स्कैम में शामिल थे। मंगेशकर इस स्कैम के कुछ ही टाइम बाद, इनफैक्ट आज से ठीक 8 साल पहले, मिस्टर मंगेशकर ने इस्तीफा दे दिया था। अभी वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता। एंड किंडरहेम? यू टेल मी ना मिस्टर जीनियस, आई लाइक टू नो तुमने क्या होमवर्क किया है। ओके, 2002 सेकंड फेब, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बिल्डिंग में आग लगी है, जल चुकी है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उनको वहाँ जली हुई 10 डेड बॉडीज मिलती है। यू नो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक पुलिस ने उन 10 डेड बॉडीज का नाम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया। और दूसरा, यह नाथालय उन बच्चों के लिए बनाया गया था जिन बच्चों के माँ बाप किसी ना किसी वजह से जेल में सजा काट रहे। बट यार, ऑर्फनेज बनने से पहले ही खत्म हो गया। Isn't it strange? Strange बात यह है कि ये ऑर्फनेज रातों ही रातों में बना कैसे और बना क्यों? अरे तुम्हें पता है क्या, जब मैं एक स्टडी कर रही थी ना, तो मुंबई के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैंने उन सबकी एक लिस्ट निकाली थी। एंड आई वॉज एस्टोनिश्ड टू सी कि उनमें से किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। फिर जब मैं आगे ये केस और स्टडी करती गई तो एक नाम बार बार मेरे सामने आता रहा। एंड आई एम 110% श्योर ये कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिला था। उसका नाम था मिस्टर वर्धन। वर्धन, वर्धन, वर्धन। कमिश्नर, क्यों बिठा रखा है मुझे? किसका वेट कर रहे हैं हम? सर जी, आपको जल्दी है क्या? अरे बैठो ना, अभी शुरुआत भी नहीं हुई। आपको दिखाने के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। ये मेरी डायरी? हाँ, डायरी डायरी डायरी। अरे कमिश्नर हूँ मैं, कुछ भी कर सकता हूँ। सैलरी 80,000 की है आपकी, और ये दादर से लेके वर्सोवा तक की जमीन, और ये बैंक अकाउंट, वो भी आपके बीवी बच्चे के नाम पे। और वाह, ओहो, पोछ लो पोछ लो पसीने। एक और बात, इसकी एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में है। कमिश्नर, क्या मतलब है आपका? ये मतलब भारत का भविष्य आ रहा है। आई थिंक कमिश्नर ने आपको बताया कि हम आपको कितनी अच्छी तरह जानते हैं। आपको क्या लगता है ये जितना भी काम है ये कमिश्नर ने किया? बेचारे कमिश्नर को खुद गवर्नमेंट 60,000 रुपए तनख्वाह देती है, कितना काम करेगा आदमी उसके अंदर। ये सब बेसिकली मैंने किया। दस साल पहले
एक प्राइवेट पार्टी आपके घर पे, कुछ लोग आए, बात हुई, कुछ याद है आपको मिस्टर वर्धन? वर्धन के बारे में बताइए, 10 साल पहले जनवरी। तो ये फाइल, जैसे आप वर्धन के बारे में बताते जाओ वैसे हम फाइल कम करते रहेंगे। सी आई टोल्ड यू कमिश्नर, दिस गाय इज रियली स्मार्ट। आगे। उस रात मेरे घर में सभी मिनिस्टर्स की प्राइवेट मीटिंग हुई। उसी रात मैं और अखिल पहली बार वर्धन से मिले। अगर यह स्कैम बाहर आया तो फिर सब अपने अपने गिरेबान को बचाने को तैयार हो जाओ। अखिल जी, मैंने आप सबको यहाँ किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए बुलाया। वो सब बात ठीक है आपकी मंगेशकर जी, पर इसका सोल्यूशन है आपके पास? मीडिया में जब ये बात आ जाएगी तब हम सब की मुश्किलें बढ़ जाएगी। सोल्यूशन है अखिल जी, इसीलिए तो मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। आप अपने स्कैम के पैसों की इन्वेस्टमेंट दिखाएं, जिसमें ये साबित हो कि आपने इन पैसों का इस्तेमाल एक अच्छे काम के लिए किया है, ना कि निजी स्वार्थ के लिए। जनता बहुत ही इमोशनल होती है नेताजी। शायद यह पहली बार होगा कि किसी पार्टी ने एक ऐसे अनाथ आश्रम की स्थापना की है जहां पर उन बच्चों को रखा जाएगा जिनके पेरेंट्स क्रिमिनल एक्टिविटीज के कारण जेल में सजा काट रहे हैं या लॉन्ग टर्म लाइफ इंप्रिजनमेंट भुगत रहे हैं। इससे आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, जनता में विश्वास बढ़ेगा और स्कैम भी कवर अप हो जाएगा। तो क्या कहते हैं आप लोग? फिर सोचना क्या है, अगर ऐसा करना मुमकिन है तो फिर देर किस बात की, पर यह काम बहुत जल्दी होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, ये काम उतनी जल्दी होगा जितनी जल्दी जनता न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ के भूल जाती है। थैंक यू मिनिस्टर साहब, ओ आई मीन मिस्टर मंगेशकर, थैंक यू इतना सब कुछ बताने के लिए। अभी हमें पता है कि हमें किससे मिलना है नेक्स्ट। जानते होगे वर्धन कि पुलिस को आज तक ये नहीं पता चला कि उस रात एक साथ 10 लोग कैसे मारे गए थे। तो तुम ही हो जिसने उस रात 10 लोगों की जाने ली थी? हाउ कैन यू ब्लडी मॉन्स्टर्स! तुम लोगों ने 12 साल तक मुझे कैद रखा और तुम मुझे मॉन्स्टर बुला रहे हो? घबराओ मत वर्धन, पानी पी लो, तुम्हारे होठ सूख रहे हैं। इस पॉइजन की 2 खासियत है। पहली ये कि ये अपना काम तमाम करने के बाद, मतलब नर्वस सिस्टम को ब्रेकडाउन करने के बाद, अपने आप ही न्यूट्रल हो जाता है। और दूसरी ये कि ये पॉइजन ट्रांसपेरेंट होता है वर्धन। कहाँ जा रहा है वर्धन?
ही इज डेड। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम कहां थे? ड्यूटी। ये है वर्धन के डेड बॉडी की रिपोर्ट। इस बार भी कोई सुराग नहीं मिला। ये साला वही है जिसने अखिल तेरन को थैंक यू।
हाय डिटेक्टिव। कमाल करते हो जॉन, तुमने मुझे ढूंढा और तुम मुझे डिटेक्टिव कह रहे हो। ये एक अलग टाइप का एजेंट है। यह हर उस मेडिसिन में पाए जाते हैं जो हार्ट पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती है। इंटरेस्टिंगली, ये तीनों एजेंट्स हम एक साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये तीनों एजेंट्स एक साथ यूज हुए तो एक अलग किस्म का पॉइजन क्रिएट करेंगे जो एक अच्छे खासे आदमी को मार सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट होता है, ये तीनों एजेंट्स न्यूट्रल हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट बॉडी को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ये तीनों एजेंट्स तो उसकी बॉडी में मिलेंगे, बट ये तीनों एजेंट्स पॉइजन की कैटेगरी में नहीं आते। तो इसका मतलब है कि उस दिन किंडरहाइम में 10 के 10 लोगों को यही पॉइजन देके मारा गया था। हो सकता है उन सब की ड्रिंक्स में ये पॉइजन मिलाया गया था, और अगर ऐसा है जैसा तुम बोल रहे हो तो फिर तो ये पॉइजन फुल प्रूफ है। तब तक जब तक किसी को उसके बारे में पता ना हो, मुझे लगता है उस आदमी को पक्का पता होगा कि जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन डेड बॉडीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उनको तीनों एजेंट्स मिलेंगे, बट बाय डिफॉल्ट उनको लगेगा कि तीनों एजेंट्स उसकी बॉडी में किसी ना किसी प्रिस्क्राइब मेडिसिन की वजह से आए हैं। जॉन, मुझे लगता है कि अगर उस दिन किंडरहेम में मिली 10 डेड बॉडीज की अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट हमें मिल जाए तो एक कॉन्क्लूजन में पहुंच सकते हैं कि क्या सही में ये पॉइजन यूज किया गया था कि नहीं। लिसन जॉन। यस बॉस। जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट मिले टेक्स्ट मी, डोंट कॉल मी। ऑलराइट। सी दिस। February 2002 किंडरहेम के जलने के ठीक 2 दिन बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक जगह लाश मिली है। पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला उसका 14 साल का बच्चा था। यू नो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक पता नहीं चल पाया कि वो आदमी मरा कैसे। ये वही आदमी है जो किंडरहेम में स्टेशनरी सप्लाई किया करता था। इंटरेस्टिंग बात यह है, इसकी मौत और किंडरहेम के जलने के बीच में सिर्फ 48 आवर्स का फर्क था। राइट। तो कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये कि आदमी हर उस इंसान को मारना चाहता है जो किसी ना किसी वजह से किंडरहेम से जुड़ा हुआ था। Absolutely. अब हमें पता ये करना है कि आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे इसका मोटिव क्या है। That's what we have to figure out. I think Divya, we should go and meet his son. मुझे लगता है, I think वही हमारी हेल्प कर सकता है इस वक्त। कौन? रवि, रवि वर्मा। हाँ। देखो रवि, मैं डिटेक्टिव हूँ, मुझे पता है कि तुम घर में अकेले हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन हो तुम और तुम्हें कैसे पता मैं घर पर अकेला हूँ? पता तो मुझे ये भी है कि तुम्हारे डैड को जहर देके मारा गया था रवि। देखो, अगर तुम मुझे अंदर आने दोगे तो हो सकता है कुछ सवालों के जवाब दे दूँ तुम्हें। मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं चाहिए, सारे जवाब मिल चुके हैं मुझे। रवि, ये तुम्हें लगता है, तुम्हारे डैड की मौत के बाद बहुत सारे सवाल उठे थे जिनका जवाब कभी दिया नहीं गया, उन सवालों का क्या? तुम्हें पूरा यकीन है कि मेरे डैड का खून हुआ था? तुम्हें क्या लगता है रवि, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे डैड ने सुसाइड की थी? सुसाइड करने वालों में से नहीं थे मेरे डैड, बहुत स्ट्रांग आदमी थे वो। लेकिन इस सब का तुमसे क्या लेना देना? न्यूज पढ़ते हो तुम? हाँ। तो तुम्हें पता होगा कि 30 घंटे पहले एक मिनिस्टर खून हुआ है, अखिल त्रेन। ये मिनिस्टर और तुम्हारे डैड दोनों ही किंडरहेम से रिलेटेड थे, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल
जिसने भी अखिल त्रेन को टारगेट किया है उसने तुम्हारे डैड को मारा हो। अच्छा, आज एक मिनिस्टर का खून हुआ तो मेरे बाप के बारे में पूछा जा रहा है, वरना तो इतने सालों में मुझसे किसी ने सीधे मुंह बात तक नहीं की, और आज 8 साल बाद आप मेरे घर पर आकर मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं। एक रीजन बताइए मैं क्यों करूं। देखो रवि, तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूं मैं, बट अगर आज तुमने मेरी मदद नहीं करी ना तो पूरी जिंदगी पछताते रहो कि तुम्हें एक मौका मिला था वो भी खो दिया तुमने। मैं यहां इसलिए नहीं बैठा हूं क्योंकि मिनिस्टर मरा है, मैं यहां इसलिए बैठा हूं क्योंकि 4 मासूम लोग मरे हैं रवि, जिसमें तुम्हारे डैड भी एक थे। देखो रवि, हेल्प मी आउट, तुम्हें जो पता है ना प्लीज बताओ मुझको। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे डैड के कातिल को तुम्हारे सामने लाके खड़ा करूंगा। उस रात डैड मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझसे कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि मेरे डैड ने सुसाइड किया है, लेकिन मैं जानता था कि वो सुसाइड नहीं कर सकते, पर उस वक्त मैं क्या कर सकता था। कुछ दिन बाद मैं अपने अंकल के यहाँ रहने चला गया। एक मिनट, क्या मैं एनवेलप देख सकता हूँ? एक मिनट। मैं कमन कम सर, सो टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। कमिश्नर ने आपको बताया नहीं कि मैं यहां किस काम से आया हूं? बताया था, पर यू नो व्हाट, आई डोंट वर्क फॉर द कमिश्नर। मुझे तुम्हारे मुंह से जानना है तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। मुझे किंडरहाइम में मिली 10 बॉडीज की फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए। किंडरहाइम? ओ, पर उस केस को तो बंद हुए अरसा हो गया, तुम्हें इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों है? गड़े मुर्दे उखाड़ना मेरा शौक है मिस किम, मैं लेट हो रहा हूं, अगर आप वो रिपोर्ट्स मुझे दे दें तो। शीट को देख के तो ऐसा लगता है जैसे किसी ऑब्जर्वेशन या किसी एक्सपेरिमेंट पे टैब रखने के लिए बनाई गई हो। बट एक बात है, इसमें सिर्फ 12 कॉलम है और उस दिन किंडरहेम में 10 डेड बॉडीज मिली। मतलब
मतलब ये कि इस पूरे प्रोसेस में 10 लोग नहीं ज्यादा लोग शामिल थे। बट ये तुम कैसे कह सकते हो? इट्स वेरी सिंपल। अगर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती ना तो रवि के डैड कभी भी उसको ये चीज संभालने को रखने को नहीं बोलते। दूसरी बात, किंडरहेम में जो भी कुछ चल रहा था बहुत ही हाईली क्लासिफाइड रखा जा रहा था, यू नो, खुफिया। और जब कभी भी ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है तो सबसे पहली चीज पता है क्या की जाती है? जितने भी लोग शामिल हैं ना उस एक्सपेरिमेंट में, उन सब पे टैप रखा जाए। इसमें कॉलम है 12, किंडरहेम में बॉडी मिली 10। इससे साफ पता चलता है कि उस दिन 2 लोग थे जो उस दिन 10 लोगों को जला के वहां से फरार हो गए। संभाल के। वैसे प्रिंटिंग का काम मैंने 10 साल पहले छोड़ दिया था मिस्टर। बट सर, आपको इस बिजनेस में 40 साल का एक्सपीरियंस भी तो था, और मैं एक्सपीरियंस की बहुत कदर करता हूँ। गुड, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेकिन ये एक्सपीरियंस एक पर्सनल चीज होती है, लेकिन तुम पूछ सकते हो। क्या आप मुझे इस राइटर के बारे में बता सकते हैं? इस राइटर के बारे में मैं तो क्या कोई भी नहीं बता सकता। इसके सिर्फ बुक सर्कुलेट होते थे, ये कौन है, कहाँ रहता है, कोई नहीं जानता। लेकिन तुम कौन हो और तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, और ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? परफेक्शन, इट्स अ रिनोन्ड पेंटिंग, कैन यू सी द परफेक्शन इन इट? ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट, इसीलिए तो ये कीमती है। बट मेरे हिसाब से परफेक्शन ब्यूटीफुल नहीं होती सर। तो ब्यूटीफुल क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? मिस्टेक्स, गलतियां। आप गलती करते हो, सीखते हो। आप गलती नहीं करते, नहीं सीखते। इंटरेस्टिंग लाइन ऑफ थॉट। कहीं तुम भी राइटर तो नहीं हो? नहीं सर, बट आपके पब्लिकेशन हाउस ने इस राइटर की कम से कम 1 लाख से भी ज़्यादा कॉपी बेची थी, और आप कह रहे हैं कि आपको इस राइटर के बारे में कुछ नहीं पता। तो इस बुक के कवर से कुछ याद आया आपको? इसमें छुपाने की कौन सी बात है? इस राइटर के 100 से भी ज़्यादा पेन नेम्स हैं। पेन नेम का मतलब समझते हो? कभी कभी राइटर्स अपना असली नाम जनता के सामने नहीं लाना चाहते, और इस वक्त वो अपना एक काल्पनिक नाम रख देते हैं। और ये राइटर्स ज्यादातर 1 या 2 पेन नेम रखते हैं, लेकिन इस राइटर ने तो 100 से भी ज्यादा पेन नेम रखे थे। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि पिछले 10 साल से
इस राइटर का कोई भी काम पब्लिश होने के लिए नहीं आया। I don't know why. 10 साल पहले राइटर गायब हुआ और 10 साल पहले ही KINDERHEIM चला। इट मेक्स सेंस, राइटर एंड KINDERHEIM। कौन हो तुम लोग, मुझे यहां क्यों लाए हो? मिस्टर जॉन, जब कोई चीज बहुत कीमती होती है तो उसे बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। पहली बात तो ये किडनैपिंग नहीं है, और दूसरी बात, तुम्हें ये चाहिए ना? क्या है ये? ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें मैंने 12 साल पहले अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया था। इनमें से इस कंट्री के कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ आर्मी मैन और कुछ साइकोलॉजिस्ट। फ्रैंक हमेशा अपने कैरेक्टर्स के बारे में बहुत सोच समझ कर लिखा करता था और मुझे अपने कैरेक्टर्स के बारे में बताया करता था। फ्रैंक आया था मेरे पास, डाइस नाम दिया था उसने। लॉन्ग लिव जॉन। ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात है। जब तुम मेरे हाथों में छोटे से बच्चे थे, मैंने कभी शादी नहीं की। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ भी वही करूं जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। जॉन, क्या हुआ है तुमको? जॉन, ये जॉन, जॉन, शिट, जॉन, जॉन, ये क्या हो गया तुम्हें? ये कैसे लगी? जॉन, जॉन, कुछ तो बोलो। जॉन, 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 उठो। जॉन, ये क्या हुआ है तुमको? जॉन, उठो। जोहान, या फिर वार्डन की तरह मैं भी तुम्हें डाइस बुलाऊं? 72 साल का हो चुका हूं मैं। I am 72 years now. तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई मौत से डर लगेगा? No. फिर भी मुझे लगता है कि रेड कलर इज वेरी पावरफुल। Give me a phone. तुम्हें इतनी लगी है और तुम्हें अभी भी? वैसे सवाल मत करो, फोन दो जल्दी। ये लो। हेलो। हाँ डिटेक्टिव, मैं बोल रहा हूँ। जॉन, कहाँ थे तुम? लिसन टू मी केयरफुली। Okay, मुझे उसका नाम पता चल गया है। Okay. His name is Frank Bonaparte. Where is my mom, Frank? I am your mom, Johan. You are born in my head.
तुम मेरे दिमाग की उपज हो। मुझे एक फॉर्म की जरूरत थी ताकि तुम उसमें अच्छी तरह से नरिश हो सको। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि वो औरत तुम्हारी मॉम थी तो वो स्लट अब मर चुकी है एंड तुम्हारे डैड को मैंने मार दिया था क्योंकि वो एक सीरियल किलर था। ब्रिलियंट जॉन, डू वन थिंग, जस्ट मीट मी एट राजू चौक। आई एम एट राजू चौक एंड वेटिंग फॉर यू। डोंट कॉल एनीवन, जस्ट कम हियर। ओके ओके, हां पहुंच रहे हैं। कहां पहुंच रहे हैं? तुम क्या हो फ्रैंक? मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी गलती की सजा पाने के लिए अभी तक जिंदा हूं, जो गलती मैंने 20-25 साल पहले की थी। पच्चीस साल बाद मुझे एहसास हुआ अपनी गलती का। मैं हमेशा परफेक्शन के पीछे भागता रहा लेकिन परफेक्शन की ब्यूटी को नहीं समझ पाया। ब्यूटी परफेक्शन में नहीं, मिस्टेक्स में होती है फ्रैंक, रिमेंबर? तो बता एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैं गया था किम के पास, मैंने उससे रिपोर्ट्स मांगी। मुझे उसकी बातों से लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने मेरी गर्दन पे कुछ इंजेक्ट किया एंड आई लॉस्ट माई कॉन्शियस। फिर मेरी आंख खुली तो मैं गिलमर के पास था। उसने मुझे सारी स्टोरी बताई मिस्टर एक्स के बारे में। कैन आई आस्क यू अ फेवर? तुमने ही मुझे क्रिएट किया है फ्रैंक, यू कैन आस्क। एक शार्प शूटर ने गिलमर को इतनी दूर से सेंटर ऑफ हाइट पे शूट किया और तुझे छोड़ दिया। डोंट यू थिंक इट्स अ प्लान? क्या मतलब है तेरा? जो भी छूके निकली है वो छाती पे लगती तो ठीक था। भैनचोद, बच के आ गया मैं। मेरा मतलब वो नहीं है। हो सकता है कोई तीसरा बंदा है जो चाहता है कि हमें इस राइटर के बारे में पता चले। मे बी शायद तुम्हारे थ्रू। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर दो, अपने हाथों से। गुड बाय डैड। फ्रैंक के मरने के बाद इन सब बातों का क्या मतलब? मतलब है इसीलिए मैं यहां हूं। इंसान जब अपनी पूरी ताकत और नॉलेज किसी से रिवेंज लेने में लगा देता है तो वो इंसान नहीं रह जाता, वो जानवर बन जाता है। मैंने डाइस से वादा किया था कि मैं उसको उसके गुनहगारों तक पहुंचाऊंगा, सो मैंने किया। पर फ्रैंक को मारने के बाद डाइस को एहसास हुआ कि फ्रैंक अकेला नहीं है, उसके जैसे कई और हैं जिनकी सजा भी पेंडिंग है। सो नाउ ही हैज मोर टारगेट्स। मुझे क्यों बता रहे हो? अगर तुम्हारा डाइस चाहे तो अपने टारगेट को कभी भी हिट कर सकता है।
do you think is going to bother me? Yes. So why to bother you? And precisely you. क्योंकि राइटर के बाद केवल तुम ही हो जिसको डाइस की लाइफ में इतना इंटरेस्ट है. He is adamant कि वो इस बार मुझे टारगेट करेगा. Yes. Good. That's what I want. बट मुझे अभी तक तुम्हारा स्टैंड क्लियर नहीं हुआ. तुम अचानक से डाइस के पास ना हो के मेरे सामने उसके राज खोल रहे हो. Did he abandon you? Why are you here? मैं यहां हूं क्योंकि मैं चाहता हूं. पिछले 22 सालों से दूसरों से ऑर्डर लिए हैं मैंने. आज तुम्हारे सामने बैठा हूं तो अपनी मर्जी से. He is dangerous. Stop him. You're not here to warn me. Tell me what you want. बस जब वो तुम्हारे सामने आए, arrest him. Don't kill him.